कुल्लू जिला में लोक निर्माण विभाग ने डिवीजन नंबर 2 में निरीक्षण कर लगघाटी और मणिकरण घाटी में 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन सभी ब्लैक स्पॉट के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के एक्सीन प्रकाश चंद वर्मा ने कहा कि इन सभी ब्लैक स्पॉट में से 4 ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बैरियर, 4 स्पॉट पर रिटेनिंग वॉल और 3 ब्लैक स्पॉट को चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग एस्टीमेट तैयार कर फंड के लिए SC के माध्यम से सरकार को भेजेगी। डिवीजन नंबर 2 में जो एरिया पड़ता है लग वैली और मणिकरण वैली, उसमें कुल 12 ऐसे स्पॉट थे जो चिन्हित किए गए हैं और मैंने खुद मौके पे जाकर के उनका निरीक्षण किया है। उनमें से 4 स्पॉट ऐसे हैं जिनमें क्रैश बैरियर लगने हैं और 4 स्पॉट ऐसे हैं जिनमें रिटेनिंग वाल्स लगनी हैं और 3 स्पॉट ऐसे हैं जिनको कर्व को चौड़ा किया जाना है। तो इन सब के ऊपर हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी SC साहब को भेजेंगे, वहाँ से अप्रूव होकर के हम फंड्स की डिमांड करके इनको सुचारू रूप से सुधारेंगे। घाटी में तो काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत सारी जगहों पे क्रैश बैरियर लगे हुए हैं, लिंक रोड्स पे और मेन रोड सिलबधानी रोड पे। वहाँ हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ था उसको मैंने खुद पर्सनली विजिट किया और उसमें देखा कि वहाँ रोड विड्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 6.5 मीटर वहाँ पर विड्थ थी रोड की। तो जो एक्सीडेंट हुआ है मैं ऐसा समझता हूँ कि वो ओवर स्पीड से हुआ है और वो नेग्लिजेंसी से हुआ है, जिसकी वजह से वो कर्व ड्राइवर ठीक ढंग से नहीं काट सका और गाड़ी सीधी नीचे चली गई। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।